हाय गाइस, ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। और सब्जी मेरी पक चुकी है। ये मैंने दूध गर्म कर लिया, ये मेरा दूध है बच्चों के लिए। और अब मैं चलाने जा रही हूँ सब्जी। सब्जी मेरी पक चुकी है, थोड़ी सी ही देर है। अभी मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ कि सब्जी का फ्लेवर कैसा है, सब्जी का टेस्ट कैसा है। देखिए सब्जी देखने में तो बेहतरीन लग रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी और रह चुकी है। हम इसे थोड़ी थोड़ी धीमी आंच पे पकने देंगे। देखिए मैंने आज सब्जी बनाई बेहलिया की, जिसे कहते हैं ना बेहलिया, इसे एक तरह से पेठा भी कहते हैं। मैं इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी, इतनी सब्जी पक जाएगी। और मैं अब अभी मेरी इतनी सब्जी पक रही है, इसमें रोटी गिरती हूँ। आप देखना कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। मेरा रोटी बनाने का सबसे अलग तरीका है, बहुत ही अलग तरीका है। मैं पहले गैस जलाऊंगी, उसके बाद इस पे तवा रखूंगी। ये देखिए मैंने गैस जला दी और मैंने तवा भी रख दिया। लेकिन मैं अब बनाऊंगी जिसे कहते पानी के हाथ की रोटी। अब आप देखना कि मैं कैसे बनाऊंगी। मेरे हाथ की रोटी इधर घुमा ना, मेरे हाथ की रोटी। ये देखिए अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा मेरी शक्ल भी दिखा ना पीछे होकर। ये देखिए मेरा हाथ लगा, देखिए मैंने हल्का सा रिफाइंड लगाया हुआ है। और ये रोटी बनाने का तरीका है रोटी का। ये देखिए मैं ऐसे से करूँगी और ये देखना कि रोटी मेरी बिल्कुल पानी की तरह रहेगी। ये देखिए ऐसे 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 धीरे धीरे करती रहूँगी। मेरी बनाते ना पीछे को, ये देखिए ऐसे ऐसे मैं इसे धीरे धीरे बनाती रहूँगी रोटी को। देखिए और मेरी रोटी एकदम बढ़िया बन गई। देखिए जैसे कि एकदम, और ऐसे छोड़ेंगे इस पर एकदम, रोटी को इतने प्यार से छोड़ना चाहिए। अरे मेरी रोटी तवे पे डल चुकी है। अब मैं आपको सब्जी बन दिखाने जा रही हूँ। मेरी सब्जी बनने जा रही है और रोटी, अब इस रोटी को देखना कितनी बढ़िया इसका पीछे से डिजाइन आएगा बन के, क्योंकि ये ना बिल्कुल पानी की ही रोटी लगेगी, जैसे कि बिल्कुल पानी की तरह। ये देखिए देखिए कितनी सुंदर रोटी आ रही है ना सुंदर रोटी। और ये देखिए सब्जी भी मेरी कितनी सुंदर है। आज के लिए वीडियो में समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।